समाजवादी पार्टी के नेता माफिया अली एक बार फिर से चर्चा में हैं। साल भले ही नया है पर विवाद पुराना है। माफिया अली का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने अपने पुराने बयान को फिर से नई हवा देने की कोशिश की है, जिससे सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया। पूर्व विधायक माफिया अली का विवादित बयान। माफिया ने कहा, हम हिंदुस्तानी बाद में, पहले हैं मुसलमान। संबित पात्रा के ट्वीट के बाद आया माफिया अली का बयान। 2017 में भी माफिया दे चुके हैं ऐसा ही बयान। बीजेपी ने माफिया के बयान पर जताया कड़ा एतराज। माफिया के बयान पर समाजवादी पार्टी खामोश। हर धार्मिक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम, पहले उसका धर्म है, उसके बाद संविधान है। सहारनपुर देवबंद के पूर्व विधायक माफिया अली का ये विवादित बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। हर धार्मिक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम, पहले उसका धर्म है, उसके बाद संविधान है। सुना आपने, विधायक रह चुके एक नेता का ये बयान देश और संविधान को शर्मसार करने वाला है। माफिया अली ने ये बयान कोई पहली बार नहीं दिया। माफिया अली अपने पुराने बयान को ही दोहरा रहे हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद की ओर से जारी हर मदरसे में 15 अगस्त पर राष्ट्रगान अनिवार्य होना और उसकी वीडियोग्राफी के फैसले पर माफिया अली ने मोर्चा खोल दिया था। उस समय माफिया अली ने कहा था कि हम पहले मुसलमान हैं, बाद में भारतीय हैं। माफिया अली के उस बयान के बाद यूपी सहित पूरे देश की सियासत का पारा चढ़ गया था। एक बार फिर से माफिया अली देश में नफरत की राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। माफिया अली ने कहा कि वो आज भी अपने बयान पर कायम है, क्योंकि सदन में सदस्य ईश्वर और अल्लाह के नाम से संविधान की शपथ लेते हैं। शुक्रवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक माफिया अली ने कहा कि वो जब तक जिंदा हैं अपने पहले दिए बयान पर कायम रहेंगे। हर धार्मिक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, पहले उसका धर्म है, उसके बाद संविधान है। संविधान का प्रीएम्बल जो है इस चीज की पाबंदी करता है कि धर्मों की सुरक्षा करना संविधान का काम होगा। अगर संविधान धर्म की सुरक्षा नहीं कर रहा तो धर्म पहले है। डिटेक्शन सेंटर जो बनाया जा रहा है, अगर उसके अंदर मेरे पास पेपर नहीं है, मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा कि मैं इंडियन हूँ, मुझे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, तो मैं मुसलमान तो तभी भी रहूँगा। इंडियनशिप ही तो आप ख़त्म कर सकते हो, मेरी नेशनलिटी तो ख़त्म कर सकते हो, मेरे धर्म को ख़त्म कर दोगे। तो धर्म हर एक का बड़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। दरअसल पुराने विवाद को नई हवा मिली है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के 1 जनवरी को किए गए ट्वीट से संबित पात्रा ने माफिया अली के पुराने विवादित बयान को कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान बताते हुए ट्वीट कर दिया। संबित पात्रा ने माफिया अली के इस बयान का जिक्र एक टीवी डिबेट में किया, जिसके बाद माफिया अली ने खुद सामने आकर अपने विवादित बयान को दोहराया। लगातार अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते माफिया अली कई दलों का दामन थामते और छोड़ते आए हैं। विवादित बयानों के अलावा उनकी कारगुजारियां भी कम विवादित नहीं रही। असम के सांसद बद्रुद्दीन अजमल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में माफिया अली को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा था। माफिया के बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, आप देखिए, धर्म के नाम पे कट्टरपंथी और कट्टरता को स्थापित करना चाहती है। और समाजवादी के लोग जिस तरीके से दंगाइयों को पेंशन देने की बात करते हैं, आतंकवादियों को घर लाकर चाय पिलाते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने की बात करते हैं, तो वो समाजवाद उनका दिख रहा है और अपनी खोई हुई जमीन को तलाश कर रहे हैं दंगे के माध्यम से। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, कोई भी दंगाई या अपराधी या अराजक सफल नहीं हो पाएगा। सेकुलर सियासत का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी ने अभी तक नवी अली के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी प्रवक्ताओं को मीडिया से दूर रखने की कवायद समझ आती है, साथ ही पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ऐसे विवादित बयान की। अगर पार्टी अपना रुख इख्तियार नहीं करती ऐसे बयानों पर, तो यही माना जाएगा सियासी गलियारों में कि पार्टी को ऐसे बयानों का समर्थन है। आखिर क्या वजह है कि माफिया अली को अपने पुराने बयान को दोहराना पड़ा? भाजपा पर निशाना साधने के लिए धार्मिक कट्टरता का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है? किसी भी नागरिक के लिए देश का संविधान सर्वोपरि होता है। माफिया अली को समय रहते इस बात को समझना होगा। माफिया अली का ये बयान भारत के संविधान के साथ साथ देश के गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है।
देश में इस समय CAA, NPR और NRC को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। ऐसे में अगर भड़काऊ बयान बालों पर लगाम नहीं लगाई गई तो कुछ अराजक तत्व इसका फायदा उठाने में नहीं चुकेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं पढ़ा दीक्षित R9 TV।